तिवारी जी मुझे प्रोटेक्शन देंगे, मेरे पर आरोप लगा है मक्खन खाने का। सोशल इंजीनियरिंग के इससे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता प्रतीक? राजस्थान के जाट होने के बाद उपराष्ट्रपति हो गए, सारी मलाई तो आप ही खा रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी, हम आपको राजस्थान का ही मानते हैं जी। आप राजस्थान से सांसद हैं, कुछ कह सकते हैं? ये मक्खन का आरोप लगा रहे हैं। सर मैं तिवारी हूँ, ये तिवारी है, ये फर्क है सर। मैटर्स रेज विद परमिशन ऑफ द चेयर, जीरो आवर, श्री राजीव शुक्ला। धन्यवाद। नीड टू कर्ब डिजिटल फ्रॉड्स इन द कंट्री। धन्यवाद सभापति। ऑल्सो टॉक ऑफ इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग बाय टैकलिंग दीज प्रॉब्लम्स। धन्यवाद सभापति। सभापति जी, मैं आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रहा हूँ, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही डिजिटल लेन देन के साथ, और जैसे जैसे हम नकदी अर्थव्यवस्था से कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, हर किसी ने अनुभव किया होगा कि कैसे धोखेबाज लोगों को मैसेज भेजकर उन्हें पैन नंबर अपडेट करने, खातों को अनब्लॉक करने, क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट आदि देने के बहाने कॉल कर रहे हैं। हमें इस खतरे को रोकने के लिए कड़े उपायों की ज़रूरत है। आज यह सच है कि कार्ड से भुगतान और UPI के माध्यम से भुगतान बढ़ गया है, लेकिन साथ ही लोग डिजिटल धोखाधड़ी में लाखों रुपए खो रहे हैं। इनका जाल इतना सटीक होता है कि IT इंजीनियर, सरकारी अधिकारी, वकील और अकाउंटेंट भी इनके जाल में फंस जाते हैं, और गरीब लोग तो बहुत ज़्यादा, वो तो उनको धमकाते हैं कि मैं साहब बिहार से हूँ, जो पकड़वाना पकड़वा लो, हम आपको पकड़वा नहीं, आप हमें पकड़ा नहीं सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 276 करोड़ रुपये की 6,659 डिजिटल धोखाधड़ी का हवाला दिया है। यह पिछले वर्ष रिपोर्ट किए गए 155 करोड़ रुपए के 3,596 धोखाधड़ी वाले लेन देन मामलों से अधिक है। हमें यह सोचने की ज़रूरत है भुगतान प्रणालियों के भीतर खुफिया जानकारी कैसी बनाई जाए, जिसका उपयोग ऐसे लेन देन को फिल्टर करने या ब्लॉक करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही हमारे लोगों की डिजिटल जागरूकता में सुधार के लिए व्यापक कार्य योजना की जरूरत है। सभी के हाथों में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उनमें से अधिकांश को उन सुरक्षा उपायों की जानकारी नहीं है जो उन्हें अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनाने चाहिए। भारतीय बैंकों ने महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं, जिनमें नए खातों में लेन देन के लिए एक सीमा, ज्ञात धोखेबाजों के लिए एक सेंट्रल निगेटिव एजेंसी, और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर कैश फ्लो को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शामिल है। 15 नवंबर तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत के बाद से 1.3 मिलियन से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है। सवाल यह कि हम कितने मामलों को ट्रैक करने, मामलों को सुलझाने में सफल हुए हैं। पुलिस भी इनमें उस तरह से प्रशिक्षित नहीं जैसे उनको प्रशिक्षित होना चाहिए। वित्त मंत्री जी बैठी हैं, जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना बना के उनको धोखे से उनके पैसे लूट जाते हैं, गरीब लोगों के, किसी के 30,000 40,000, किसी 1,00,000 1.5 लाख, लोग परेशान हैं। इस पे कुछ ना कुछ आप करिए, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये विषय यहाँ पर उठा रहा हूँ। सभापति जी ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग की बात, सोशल इंजीनियरिंग के इनसे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता प्रतीक? राजस्थान के जाट होने के बाद उपराष्ट्रपति हो गए, सारी मलाई तो आप ही खा रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग की दूसरी कौन खा रहा? उपराष्ट्रपति पे कोई पहुँचा वहाँ से? हमारे मिर्धा जी जो डिप्टी चेयरमैन तक पहुँचे, तो आप यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो सोशल इंजीनियरिंग के आपसे ज़्यादा उदाहरण कौन हो सकता? तो ये तो हम सोशल मीडिया और डिजिटल उस पर बोल रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग कहाँ से? पहली बार आकर यहाँ तक पहुंच गया, ये हीरे की पार की तो नरेंद्र मोदी थी जो आपको बैठा दिया यहाँ पर, और इससे बड़ा सोशल श्री आप सबसे मिलते हैं, और आपको यहाँ मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आप एक शेखावाटी के हैं और फिर यहाँ तक पहुंच गए। प्रमोद तिवारी जी, प्रमोद तिवारी जी, हम आपको राजस्थान का ही मानते हैं जी। आप राजस्थान से सांसद हैं, कुछ कह सकते हैं? ये मक्खन का आरोप लगा रहे हैं। सर मैं तिवारी हूँ, ये तिवारी है, ये फर्क है सर। मतलब फर्क क्या है सर? चूंकि राजस्थान में तिवारी लिखा जाता है, यहाँ तिवारी लिखा जाता है उत्तर प्रदेश में, ये फर्क है सर। हम भी हैं साहब, ये भी जो बोल रहे हैं ये भी राजस्थान से।
आप भी राजस्थान से हैं जी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। और नीरज डांगी ऑथेंटिक हैं? यस सर, हम लोग सर्टिफाइड हैं। आई नो, ये भी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं, वेणुगोपाल जी भी हैं, ऑथेंटिक है, हम ऑफिशियल है। मैं सोच रहा था कि प्रमोद तिवारी जी मुझे प्रोटेक्शन देंगे, मेरे पर आरोप लगा है मक्खन खाने का, और उसको अगर आप अदरवाइज लें तो सब। श्री अजय प्रताप सिंह कि आप यहां तक पहुंचे, यह राजस्थान का सौभाग्य तो है ही। ठिठाना गांव से आप यहां तक पहुंचे, मुरी आप पूरी यात्रा का पता है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग नहीं है? सोशल इंजीनियरिंग तो कहा कि ये जेली गाड़ दी तो जाट जेली गाड़ देता है, आपने यहाँ भारत के संविधान में अगर जेली गाड़ दी है।